उरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को जब ससुराल वालों ने अपने घर में रखने से इनकार कर दिया तो वे अपने मासूम पुत्र के साथ घर से निकल गई और करीब 3 वर्ष बाद बुधवार को बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में लाया, जिसको बेलघाट थाना क्षेत्र निवासी उसके पति अजय कुमार ने साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो उसकी भाभी रीता ने उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गई। गौरतलब है कि उरवा थाना क्षेत्र निवासी पूजा की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व बेलघाट थाना क्षेत्र निवासी अजय से हुई थी और उससे एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन पति के बाहर चले जाने के बाद उसके घर वालों ने उसके ऊपर बदचलनी का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद वो बरेली पहुंची, जहां महिला संरक्षण गृह में उसे आसरा मिला। वहां से बनारस फिर प्रयागराज पहुंची। उसके बाद वहां के अधिकारियों ने गोरखपुर से संपर्क कर बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ल और एसओ बेलघाट की पहल पर उसे गोरखपुर पहुंचा दिया, जहां उसके परिजन उसे मिल गए। इसके पहले आपको बता दें कि नियमानुसार महिला संरक्षण गृह में 6 वर्ष की उम्र के बाद पीड़िता के साथ उसका पुत्र नहीं रह सकता है, जिसके तहत उसके बच्चे को बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया। उसी के बाद से महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पीड़िता के पति अजय कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला और पीड़िता की भाभी रीता देवी ने कहा। नाम बताओ। कहाँ रहती है? कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? घर पे गई थी, भैया के साथ कल थी। नहीं नहीं, कहाँ कहाँ, कौन कौन कोर्ट में गई थी, कोर्ट का नाम बताओ। बरेली कोर्ट में गई थी और इलाहाबाद कोर्ट में गई थी, बनारस गई थी, बनारस गई थी, आधा घंटा रही थी, उधर बस चली गई थी। यहाँ कैसे आई हो? गोरखपुर। कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ यहाँ पे? हमारे राम भैया रहता है, हम भी रहते हैं और एक दो बहन है, एक बहन घर पर है, एक बहन बिहार में है। शादी हुआ तुम्हारा? हमारे शादी हो गया, तभी पहन रही हूँ। किससे हुआ? तभी सिंदूर पहन रही हूँ, भैया का सिंदूर पहन रही। किससे हुआ शादी? अपने पति। कौन है पति? हमारा पति भैया का, तो पहन लिया। हस्बैंड कौन है? पति किसे शादी हुई? भैया का। कल ना मैं आज रही ना, मेरे को सिंदूर छुआ दी। कौन छुआ दी? और नारी के तरीके लड़किया भी है, अभी ना आई हुई नहीं, इसीलिए। बच्चा किसका है ये वाला? हमारा है। तुम इधर आ रहे बेटा, मम्मी के पास। हमारा ये नहीं है पापा। मम्मी कहाँ? पापा। पापा कहाँ? अपने पति का नाम बताइए, उनका क्या नाम है? उसका नाम है बताओ, उधर बताओ, उसका नाम है। अरे कौन के बोल रही है? ससुर का? ससुर लोग साथ जा रही हो तुम घर? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? इसलिए तो एक बार गए पंचायत से, ठीक है, एक बार गया, उसके बाद माँ मेरी मर गई, उसके बाद फिर गया, उसके बाद ये सब बहुत मारे से बहुत काम कराते थे, बहुत कुछ करे थे, बहुत मारे से मैं निकल गई। हम नहीं जाएंगे, हमारे भैया जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। जिनकी भाभी है, जिनके हस्बैंड है, वो ससुर हैं, जिनकी चाची है, भाई का पता ही नहीं है। क्या कॉल करो, घंटा तो मैं क्या करूँ? लोग साथ जाने के लिए कर रहे हैं तो मारते पीटते थे, और इनकी पहली शादी हो चुकी थी और वो छोड़ के चली गई, इन्होंने दूसरी शादी कर ली और ये बीच में मारपीट करते थे, घर से चले गए, पूरे गांव में हल्ला कर दिए कि तो 2.5 साल की शिक्षा भाग गई। और ये थी महिला सवाल है। अब ये कह रहे हैं कि भाई पहली बीवी है तो दिक्कत है थोड़ी मेंटल की, तो हम कुछ खर्चा वर्चा दे देंगे, बच्चे के नाम कर देंगे, जो भी जरूरत हो तो पूरा करेंगे, भैया भाभी के पास रहे और ये रहने के लिए भी तैयार नहीं है। भैया से मैं खाना देने गए
थी। भैया बोले, भैया हमारा शादी कर दो। भैया कर दूंगी, तुम्हारे जगह सेंटर हो गई ना, नहीं बोल रही है। ये लोग बार बार एक ही बात कहते थे कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तो कह रही थे बच्चा हमारा नहीं, इसीलिए मार खाते थे। तो भाई भैया ही बता दे कि बच्चा किसका है, जिसके इतना दिमाग ही नहीं है कि बता पाए क्या है। हाथ रख सकते हैं, जब बच्चा 6 क्रॉस किया है तो इसको शिशु गृह में जो 10 साल तक का होता है वहाँ भेज दिया, तो ये और मेंटल हो गई। बच्चे से जब अलग हुई है तो और परेशान हो गई है। तब वहाँ के लोग काफ़ी परेशान होकर बातचीत किए, तब इसने अपना पता बताया है कि मैं उरुआ की हूँ और जो भी इनके गांव का एड्रेस था। तो वहाँ के SO से बात किया गया, लगातार इनको बुलाया गया, लेकिन ये लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। SO साहब बहुत मेहनत किए, इनके भाई की गाड़ी चलती है उसको ले आके थाने पर खड़ा किए, इनके ससुर को भेजे, तब ये यहाँ पे आए। अजय कुमार ग्राम मऊर मऊर पोस्ट लखवा पकड़, थाना बेलघाट, जिला गोरखपुर। मेरा तो ऑलरेडी शादी मान लीजिए इनसे हुआ, जब पहले शादी मेरा हो चुका था। शादी होने के बाद में पंचायत द्वारा मान लीजिए उसको छुट्टी छूटा हो गया, और छूटा होने के बाद में मतलब साल भर के बाद में मेरे ऊपर दबाव आया गांव का, समाज का। मैं बोला चलिए मैं शादी के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो दोबारा मैं इससे शादी किया। इनसे शादी होने के बाद में जब मेरे को पता चला कि इनके पेट में बच्चा है, तो मैंने यही सोचा कि चलिए कभी कोई मतलब हॉस्पिटल से लेकर पालता है, कोई अनाथ आश्रम से लेकर पालता है, हमारे घर पे भगवान का दिया हुआ वरदान है तो हम इसको पाल लेंगे। तो ऐसा सोच के बच्चे को मैं अपनाने के लिए मैं मान गया। उसके बाद में मैं चला गया परदेश। परदेश जाने के बाद में ये फिर जो है कि हमारे घर के सामने एक अंडे की दुकान थी, अंडे की दुकान अनवर अली के नाम से चलाया जाता, अनवर अली था। तो मतलब घर के सामने था, ये बच्चा जाता था, ये अंडा बंडा खाता था, इससे इन लोगों का, मैं घर पे था नहीं चुके इसलिए इन लोगों का आपसी तालमेल बढ़ गया। बढ़ जाने के हिसाब से ये दोबारा एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो इसके अंतर्गत मैं आया, और आने के बाद में मैं इस औरत से पूछा कि तुम बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। मैंने थोड़ा डराया धमकाया, मतलब मारेंगे, लेकिन मैंने इनको हाथ नहीं लगाया। अच्छा, उसके बाद में इसने बोला ठीक है मैंने ऐसा गलती किया है, तो मैं बोला तुमको तब रखूँगा कि उस आदमी के नाम पे रिपोर्ट करो तुम। बोली ठीक है मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी। जा करके थाने पे, बेलघाट थाने पे रिपोर्ट लिखवाया, और पूरा 5-6 फाइल है। और वहाँ से लिखा के आने के बाद ये लड़की बोली कि हमको अगर दबाव दिए, हमको जो भी किए, तो हम मतलब जल जाएंगे, मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। इस डर से मैं दोबारा शाम को, दूसरे दिन ही शाम को मैं फिर यशो के पास गया, और यशो साहब के पास गया तो वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार किया कि मतलब मेरी औरत इस तरह से मेरे को प्रताड़ित कर रही है। तो बोले भाई हम इसकी ठीक है, आप एक रिपोर्ट लिख करके दे दीजिए। मैं उनको रिपोर्ट लिख करके दे दिया, और रिपोर्ट लिखने के बाद में ये औरत दो दिन मेरे पास में सही ढंग से रही, 2 या 3 दिन। 26 तारीख कौन सा महीना था, जून का ही महीना था, 26 जून या जुलाई ऐसे कुछ था, मेरे क्लियर पता नहीं, रिपोर्ट में सब है। तो ये औरत जो है कि घर छोड़ करके निकल गई। निकलने के बाद मैंने इसको 6 महीने तक ढूंढा। 6 महीने ढूंढने के बाद में जो है कि ये औरत मेरे को मिली नहीं। इस दरमियान जिससे भी इसने बात किया वो मेरे पास मेमोरी कार्ड उनका मेरे हाथ लग गया, और जो भी मतलब रिपोर्ट मेरा जो थाने से बना हुआ था, कचहरी में भी आया था एक बार में, तो जो भी रिपोर्ट था वो मेरे पास तो था ही, और दूसरा ये औरत जिस से बात किया था वह जो है कि मेरे पास मेमोरी कार्ड मेरे हाथ लग गया। अब ये लोग दबाव मेरे ऊपर दे रहे हैं, अगर उस मेमोरी कार्ड को अगर हाजिर किया जाए, अगर उसको मतलब शो किया जाए, तो ये सब लोग चक्रव्यूह में आने वाले हैं। मेरे पास चूँकि सबूत है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ बच्चा मेरा भी नहीं, फिर भी मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद भी मेरे को दबाव दे रहे हैं लोग कि खर्चा दो, ठीक है। तो ये लोग मेरी इस टाइम चाय पीने की हालत नहीं है, लेकिन सर बोलेंगे 2 लाख रुपया, 2-1 लाख रुपया, तो मैं कहाँ से लाऊँगा, मैं गरीब आदमी हूँ। किसको ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना, वो खुदे नहीं जाएगी, उसको तो मैं नहीं ले जाएगा। बच्चा लेने के लिए तैयार था कि चलिए बच्चे को मैं ले जाएंगे, लेकिन बच्चा भी नहीं जाएगा क्योंकि वो देगी नहीं मेरे को।
मेरा चूँकि है नहीं तो भी मैं लेने के लिए तैयार था। इस दरमियान मैंने यशु साहब से बात भी किया था बेलघाट कि अगर आपको थोड़ा भी बच्चे के विषय में, डेढ़ साल तक मेरा केस चला था, इन लोग मेरे ऊपर केस किया था। जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ उस टाइम मेरे पिताजी को मैं बोला कि ठीक है जाइए, और प्राइवेट हॉस्पिटल है तो क्या हुआ, आप मतलब उसका जन्म तिथि ले करके आप घर चले आइए। तो पिताजी ने, पिताजी गए और उसके बाद में वो लड़की की माँ थी, लड़की की बहन थी, पिताजी ने बोला कहो साहब, अब आपके देश में यही चलता है क्या कि 4 महीने 5 महीने बच्चा पैदा होता है? तो उन लोगों ने मेरे पिताजी को बहुत प्रताड़ित किया भरे हॉस्पिटल के अंदर, मतलब गाली पकड़ दिया, इसलिए पिताजी गुस्से में और चले गए। एक्चुअली इनका ये इलाहाबाद में महिला संग्रहालय में थी, और महिला संग्रहालय से DCPU से इनकी जानकारी मिली कि एक महिला है जो गोरखपुर में उरवा थाने से संबंधित है और काफ़ी परेशान है, इसका एक बच्चा भी है। तो जब से बच्चे को माँ से अलग कर दिया गया है, मतलब 6 साल से ऊपर हुआ तो उसको शिशुगृह में रखा गया, तो महिला की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। तो इसको किसी भी तरह इसके घर पहुँचाना है, ससुराल का पता नहीं बता पा रही थी, तो इसके पते पे SO उरवा से बात हुई, तो उनका बहुत सहयोग रहा कि जो समय समय पे घर पे इनके जाके बार बार मतलब बोलते थे कि बहन को लेकर, इनके द्वारा ना इनके ससुराल और मायके सिर्फ नहीं आ रहे थे, लेकिन SO साहब के द्वारा लगातार बार बार प्रयास करने के बाद इनके भाई और इनके ससुर यहाँ पे आए और उनको बहुत समझाया गया, तो वो तैयार हुए कि हम महिला को लेके आएंगे। ससुर द्वारा बताया गया कि हम इसके कुछ भी नहीं जानते, लड़का है, लड़का बाहर रहता है, वो आ जाएगा तो महिला को लेके आएंगे। 2 दिन बाद इनके पति आए यहाँ पे और सारी कार्रवाई पूरी करते हुए और मजिस्ट्रेट सर से ऑर्डर लेते हुए महिला को इलाहाबाद से गोरखपुर लाया गया। महिला अभी, हाँ बच्चा भी है, एक बच्चा है लगभग 6-7 साल के बीच का। महिला ही जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है क्योंकि पूर्व में इसके साथ बहुत मारपीट किया जाता था और इस समय महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो महिला का अभी यही है कि अभी साथ में नहीं जाएंगे, आगे क्या होता है अब ये परिवार वाले डिसाइड करेंगे। मैं चला भाई इलाज उस टाइम से रुपया खर्च चला पाई भाई, एकदम डायरेक्ट बतिया नहीं, कब से गायब थी, हम भी जान देते 3 साल हो गए गायब, हम भी जाने कहीं नाथ बात में हुई है, हमें तो पता नहीं बाहर बात है, आप ले जा रही हैं, आप इतना लिखा पढ़ी हो का दिमाग लगाए जवा ना ही तो कैसे चला भर हम कैसे बाहर चल जाएगा, क्या लिखा पड़ी तो आप ले जा रही हैं इनको अपने घर? हाँ उनके पड़ी घर ले जा, पहले आया अब दो औरत रही है कहाँ, कहाँ मर चुके हैं तब खाए न पार रही तो रहन के ठीक है, तो कैसे हम कह दे कि दुनिया ही रह जाएगी, हम जब खा तब खिया ही, जब कहलक बच जाए तो जब देने खर्चा पानी करो कर दे। क्या नाम आपका? रीता। क्या है इनकिया? मुझाई। कहाँ घर है? भाटिया। आपको भाटिया। आपके पति क्या करते हैं? जी चलाते हैं। क्या नाम उनका? रामो। रामो।